क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स दो प्रकार से किया। पहला किया अपने संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर कौन कौन सा बताया, सबसे पहले बताया एलिफैटिक अमीनो एसिड्स बताया, एलिफैटिक अमीनो एसिड्स के बाद में सेकंड जो अपन ने बताया वो कौन सा बताया, हाइड्रोक्सिल एलिफैटिक अमीनो एसिड बताया, फिर थर्ड जो है वो अपन ने कौन से बताए, अमीनो कंटेनिंग अमीनो एसिड बताए, फोर्थ अपन ने बताए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बाद में फिफ्थ अपन ने बताया एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड के बाद में एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एंड देन सेवन्थ जो थे वो कौन से बताए अपन ने, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स बताए। ये सात प्रकार बताए अपन ने संरचना के आधार पर कि जो आर समूह की रचना है आर के स्थान पर क्या क्या प्रेजेंट होता है उनके आधार पर अपन ने ये सात प्रकार के अमीनो एसिड्स की बात करी। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा प्रकृति के आधार पर अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय होते हैं, एक क्षारीय होते हैं, एक उदासीन होते हैं। अम्लीय वे होते हैं जिनमें दो कार्बोक्सिलिक समूह और एक अमीनो समूह पाया जाता है, क्षारीय वो होते हैं जिनमें एक कार्बोक्सिल समूह तथा दो अमीनो समूह पाए जाते हैं, उदासीन वो होते हैं जिनमें एक कार्बोक्सिल तथा एक अमीनो समूह प्रेजेंट होता है। तो ये अपन ने बात करी प्रकृति के आधार पर। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स के जो कार्य हैं, सबसे पहला कार्य तो ये प्रोटीन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। सेकंड अपन ने बताया कि जो अमीनो एसिड जो होते हैं ज्यूटेराइन के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि ये विलयन के अम्लसार संतुलन जो होता है वो बनाए रखते हैं। फिर अपन ने बात करी कुछ अमीनो अम्ल जो होते हैं विभिन्न जैविक सक्रिय यौगिकों में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है वो किसका निर्माण करता है, हिम का निर्माण करता है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में इसके फंक्शन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा इतना कि जो अमीनो एसिड्स का जो वर्गीकरण है, अमीनो एसिड्स के जो फंक्शन है उसके बारे में।